स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? पॉलिनोमियल एक सीरीज होती है, एक चैन होती है। किसकी? टर्म्स की। सबसे पहले हमारे पास आती है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स हमारे पास होती है, टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं? 2x, 3x, 5x, ये सभी हमारे पास क्या है? 100x, ये सभी क्या है? टर्म्स हैं। और टर्म्स के अंदर ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने से हमारे पास क्या बनी हुई है? एक टर्म। और फिर हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म्स की एक चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। कैसे? चेन क्या होता है कि उसका कोई भी रिलेशन, जैसे 2x प्लस 3 आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है? टर्म्स की एक चेन जो कंटिन्यू चल रही है। कितनी टर्म्स की चेन है? 2 की है, 3 की है, 4 की है, ऐसे चलती रहती है। फिर आती है हमारे पास जो 9th क्लास है उसके चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसके टाइप्स के बारे में पूछा गया। फर्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री, अब देखो वेरिएबल हमारे पास क्या है यहाँ? एक्स। एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। तो ये 1 डिग्री की जो हमारे पास होती है वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है हमारे पास। 2, यहाँ भी 2 है हमारे पास और यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। यहाँ भी 1 भी है लेकिन हाईएस्ट क्या है इसके अंदर? 2 है। इसमें भी हाईएस्ट क्या है? 2। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के अंदर क्या आता है? 3। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 4x³, 5x³ प्लस x² 6 माइनस x³, यहाँ पे क्यूब आएगा बेटा, 6 माइनस x³, ये हमारे पास क्या है कि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसको हम क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। जीरो, जिसकी हाईएस्ट पावर 0 होगी। हाईएस्ट पावर 0 किसकी होती है? जो हमारे पास कांस्टेंट होता है। कैसे? जैसे अगर हमारे पास 5x की पावर 0 है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 0, इसलिए हम इसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे। इसको लिखेंगे कैसे? अगर किसी की भी पावर 0 है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो 5 × 5, कोई भी अगर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। जैसे 2, 3, 6, 5, 4, ये सभी हमारे पास क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज करेंगे अब हम 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्या दिया हुआ है? इसी के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें से क्या बताना है कि 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि कौन सी पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल की और कौन सी नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन दें। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉलिनोमियल होती कौन सी है। वो पॉलिनोमियल को हम तब बोल सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को हम तब बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, जब उसकी डिग्री या उसकी पावर एक वॉल नंबर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि उसकी पावर क्या होगी? एक वॉल नंबर, जैसे 2, 3, 4 ऐसे। और अगर उसकी पावर हमारे पास -1, -2, -3 है तो भी वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आता है अगर उसकी पावर 3/2, 4/5 की फॉर्म में होगी, तब भी हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम।
फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। अब देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है और हमारे पास वन वेरिएबल है ओनली x, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x है। ये कितने की है? वन वेरिएबल की है और किस वेरिएबल की? x की। सेकेंड है y² + √2। अब ये किसकी है? y की है हमारे पास पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। एक पॉलिनोमियल है y और वन वेरिएबल है। 3√t + √2। अब देखो t की पावर हमारे पास क्या हो गई? 1/2। और मैंने अभी बताया था कि अगर उसकी पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं है। क्या लिख देंगे? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। एज पावर ऑफ टी इन रूट टी इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि जो टी है हमारे पास वो किस में है? रूट की पावर में है। इज नॉट ए होल नंबर, और रूट है, रूट को हम ओपन करेंगे तो क्या होता है? 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है y + 2/y। अब देखो 2/y, अगर इस y को हम ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, y की पावर -1 आएगी, और -1 तो होल नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो क्या बोल देंगे? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म 1/y, और 1/y को हम क्या लिखते हैं? y की पावर -1 इज नॉट ए होल नंबर, -1 है वो नॉट ए होल नंबर। नेक्स्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास? पावर तो सभी होल नंबर हैं, बट वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, x, y एंड t। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है, बट ए पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इस ये किसकी है? थ्री वेरिएबल्स की है, x, y एंड t की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी इक्वेशन टर्म्स में से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। फर्स्ट है हमारे पास 2 + x² + x। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में कौन है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे क्या होता है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। हम क्या बोल देंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2 - x² + x³। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? 1, लेकिन वो 1 किसका है? माइनस का, तो क्या बोल दें? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। π/2x² + x², एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? π/2। नेक्स्ट है √2x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0x स्क्वायर। तो जब कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वहां? 0। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल हमारे पास क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये बताते हैं पहले आपको। बाइनोमियल हमारे पास वो होती है जिसके अंदर कम से कम 2 टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल में क्या होती है कि 2 टर्म्स होती हैं, और 2 टर्म्स किस कंडीशन में होते हैं हमारे पास? प्लस में है या माइनस में है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। एंड मोनोमियल जिसके अंदर ओनली 1 टर्म होगी हमारे पास। अब देखो x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 प्लस 5 इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये एक 35 डिग्री की क्या है? बाइनोमियल। ठीक है, यहीं तक रखेंगे हम इसको 2 पा के अंदर। उसके बाद y की पावर 100 या t की पावर 100 या x की पावर 100 इज ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये एक मोनोमियल है कितने की? डिग्री 100 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। क्या है? 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है हमारे पास, तो क्या बोल देंगे? डिग्री इज 3 एज एक्स क्यूब। डिग्री कितनी है हमारे पास? 3, और किसकी? एक्स क्यूब की, इन द हाईएस्ट पावर, जो कि एक्स क्यूब है, जो एक्स की हाईएस्ट पावर है। 4 - y² अब यहाँ पे y स्केयर दे रखा है, तो क्या है? y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। डिग्री इज 2 एज y स्केयर, किससे आई है? y स्केयर से, इन द इज द हाईएस्ट पावर। 5t - √7, ये हमारे पास क्या है? t, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो क्या बोल देंगे? डिग्री इज 1 एज t इज द हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट है 3, डिग्री इज 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0, तो क्या लिख देंगे? डिग्री इज 0 एज x की पावर 0 इन द हाईएस्ट पावर।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें ये बताना है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, अगर 2 हाईएस्ट डिग्री है तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो 3 की अगर पॉलिनोमियल है तो हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास 2, 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 1 पावर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, ये हमारे पास क्या है 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास आर स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 2 हाईएस्ट पावर है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है 7x क्यूब, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, और जब हाईएस्ट पावर 3 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थी हमारी एक्सरसाइज।